सुक्रिया शुभम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो मेरा टॉपिक है औपनिवेशिक भारत में दलित आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में। वैसे तो मैं अंग्रेजी में ही आर्टिकल लिखता हूँ और लेकिन जल्दी जल्दी में मुझे 2-3 साल पहले जो मैंने आर्टिकल लिखा था उसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो औपनिवेशिक भारत में दलित आंदोलन अब्स्ट्रैक्ट है हमारा। वर्तमान शोध लेख औपनिवेशिक कालीन भारत अर्थात ब्रिटिश काल के भारत में उस समय के अछूतों जिन्हें आधुनिक भारत में दलित की संज्ञा दी गई उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करता है। ज्ञातव्य है कि इन्हीं अस्पृश्यों को श्री गांधी के द्वारा हरिजन भी कहा गया था जिसका अर्थ होता है भगवान का पुत्र। इनके विकास के लिए श्री गांधी ने एक संघ का निर्माण भी किया था जिसे हरिजन सेवक संघ कहा गया। इस लेख के अंतर्गत संपूर्ण भारत में दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा चलाए गए आंदोलन एवं बनाए गए संगठनों की चर्चा की गई है। इस दौरान अंबेडकर के द्वारा उठाए गए तमाम कदमों के बारे में भी चर्चा की गई है। सो औपनिवेशिक काल में भारत की सामाजिक स्थिति। भारतीय इतिहास दुनिया के सबसे अधिक विविधताओं को खुद में समेटे हुए है। यहाँ के समाज का निर्माण अनेक धर्म संप्रदाय तथा समुदायों को मिलाकर हुआ है। यहाँ अनेक संस्कृतियों तथा रीति रिवाज हैं। इन सभी के अलावा भारतीय समाज दुनिया की समाज से एक अलग गुण लिए बैठा है जिसे जाति व्यवस्था का नाम दिया गया है। भारतीय समाज के इस अनोखे गुण से यहाँ कोई भी धर्म और कोई भी संप्रदाय अछूता नहीं है। यहाँ एक तरफ सामाजिक संतुलन दिखाई पड़ता है तो दूसरी तरफ गहरे मतभेद एवं अंतर विरोध भी देखने को मिलते हैं। इसलिए निकोलस डार्क ने अपनी किताब कास्ट ऑफ माइंड में कहा है कि यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो वहाँ के जातीय व्यवस्था को समझे बगैर यह संभव नहीं कि आप वहाँ के समाज को समझ सकें। एक्चुअली यह सेंटेंस अंग्रेजी में है लेकिन मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। साथ ही जाति व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए सुमित गुहा ने अपनी किताब बियॉन्ड कास्ट में कहते हैं कि जाति एक मास्टर की है भारत के समाज को समझने के लिए। तो भारत में इस जाति व्यवस्था के उद्भव का आधार हिंदू धर्म शास्त्रों में व्याप्त वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। डॉक्टर अंबेडकर इस पर चर्चा करते हुए, यह ओपिनियन डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग है, यह ओपिनियन यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। सो डॉक्टर अंबेडकर इस पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह प्राचीन वर्ण व्यवस्था ही वर्तमान भारतीय जाति व्यवस्था की जननी है। तो डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इस स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है। आरंभिक दौर में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी पर कालांतर में जन्म पर आधारित हो गया। इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी बातें की गई है जिसमें एक विराट पुरुष के शरीर से चारों वर्ण की उत्पत्ति के बारे में बताई गई है। सो इसमें यदि हम लोग विस्तार से जाएंगे, चूंकि समय कम है तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, औपनिवेशिक भारतीय समाज में दलितों की दशा के बारे में। सो औपनिवेशिक भारत का समाज जाति पर आधारित समाज था जिसमें अस्पृश्य जिन्हें अछूत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे दलित के नाम से भी बाद में जाना गया, उनकी स्थिति बहुत ही निंदनीय थी। औपनिवेशिक भारत में सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करने से अछूतों को मना था। एक तरफ हम लोग यह कहते हैं कि औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो हम लोग सो कॉल्ड मॉडर्नाइज हो रहे थे, लेकिन उस मॉडर्न फेज में भी हमारे यहाँ वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था जो मेरे अनुसार मुझे लगता है अभी तक का सबसे वर्स्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम। सो औपनिवेशिक भारत में भारत के गाँव में जो पंचायतें लगाई जाती थी उन पंचायतों के पंच सवर्ण जाति के लोग हुआ करते थे जो दलितों के साथ दंड के आधार पर भी भेदभाव करते थे। ऐसा हम लोग जब गुप्त काल का हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि एक ही काम के लिए या फिर एक ही तरीके का जो एक्ट है उसके लिए अलग अलग वर्ण के लोगों को अलग अलग तरीके का दंड दिया जाता था, जैसे शूद्रों को जीव काट देना या आग पे चलना, तमाम तरह के दंड का प्रावधान किया गया था। तो इसमें भी काफी लंबा है इसलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत में जाति व्यवस्था को लेकर मैंने कुछ किताब पढ़ी थी जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा। एआर नरोना की एक बुक है अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम इन इंडिया, 2003 में पब्लिश हुआ था। उसमें उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था के बारे में बताया है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर की किताब जो अनपैरल बुक है, जाति प्रथा का विनाश,
इसमें उन्होंने भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था प्रचलित है उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा किया है, और साथ में यह भी बताया कि जाति प्रथा को कैसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं। हालांकि उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग इस बीमारी से मुक्त नहीं हो पाए। गेल ओम्बेट ने अपनी पुस्तक दलित और प्रजातांत्रिक भारत में जाति व्यवस्था के बारे में भी चर्चा किया है। उसी तरीके से रजनी कोठारी ने, एम एन श्रीनिवासन ने, दीपांकर गुप्ता ने, अनुपमा राव ने अपनी किताब कास्टिंग क्वेश्चन में भी चर्चा की है। उसके बाद हम लोग आते हैं दलित मूवमेंट इन कॉलोनियल पीरियड के बारे में। तो यहाँ पर तीन चार फेज में भारत में दलित आंदोलन चल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट के पैरेलल। तो जब इतिहास लिखा गया तो उसमें हम लोग यह देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो भी प्रोग्राम किया जा रहा था बेसिकली उसी को इंक्लूड किया गया। उसके पैरेलल बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे, वो कास्ट स्ट्रगल को लेकर, कई जगह क्लास स्ट्रगल को लेकर, कई जगह वुमेन का अलग मूवमेंट चल रहा था, मजदूरों का अलग आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम हिस्ट्री राइटिंग में उसको शामिल नहीं किया गया। तो दलित आंदोलन का पहला चरण की यदि बात करें तो 1900 से लेकर 1930 के बीच है। 1900 से लेकर 1930 के दशक में भारत में दलित मूवमेंट का जो सेंटर है मुख्य तौर पे इंडिया के चार सिटीज में रहते हैं, नागपुर, हैदराबाद और आंध्र एवं मैसूर में। उसके बाद दूसरे चरण में हम लोग आते हैं, इसमें ऐसे बहुत विस्तार में मैंने लिखा लेकिन समय कम है तो इसको कंक्लूड करते हुए महार सत्याग्रह पे आते हैं। तो अंबेडकर ने एक महार सत्याग्रह भी किया था जिसके आधार पे फिर उस सत्याग्रह के बाद दलितों को, अछूतों को पानी पीने का अधिकार मिला। उसके बाद 1928 का मिल सत्याग्रह है, उसके बाद मनुस्मृति का दाह संस्कार और डॉक्टर अम्बेडकर और साइमन कमीशन, उसके बाद तीन गोलमेज जो सम्मेलन है और पुना पैक्ट है, और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तमाम तरीके के अप्रोच अपनाए गए अंबेडकर के द्वारा न केवल दलितों के उत्थान के लिए बल्कि पूरे भारतीय सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।